हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। सो गाइस, आज का ये वीडियो हमारे लिए खास होने वाला है क्योंकि आपकी डिमांड है iOS पर आप वीडियो बनाओ। तो फाइनली गाइस, ये वीडियो आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे थीम दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको काफ़ी सारा चेंज देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन के लेके व्हाट्सअप तक सारा जो डिटेल्स है वो चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आइकन पैक है वो काफ़ी बढ़िया हमको iOS की तरह देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर डायलर पैड की, तो जो डायलर पैड है वो आपको बिल्कुल iOS की तरह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको आईफोन में हर बार मिलता है उसी तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नोटिफिकेशन आती है तो बिल्कुल iOS की तरह ही देखने को मिल जाती है, और जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं सेटिंग की, तो जो सेटिंग है आपको प्योर iOS की तरह देखने को मिल जाएगा। अगर आप iOS और ओरिजिनल हमारा एंड्रॉयड की इस थीम को चेक करेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पर डिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। गाइस, यहाँ पर और बात करते हैं और क्या कुछ नया मिल जाता है, तो और हमको मिल जाता है व्हाट्सअप। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप देख लीजिए जो व्हाट्सअप है हमको नॉर्मल सा ही मिलता है, सिर्फ यहाँ पर कलर ही चेंज देखने को मिलता है। बट गाइस, इस व्हाट्सअप को आप iOS के व्हाट्सअप में कैसे कन्वर्ट करना है उसके रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना के रखा हुआ है, तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो जहाँ आपको मालूम चल जाएगा कि एंड्रॉयड से iOS के व्हाट्सअप में कैसे जाना है। गाइस, यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरह का जो व्हाट्सअप है वो आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर बात करें फाइल मैनेजर की, तो डार्क फाइल मैनेजर मिल जाएगा, तो इसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसका भी वीडियो चेक कर लेना। तो यहाँ पर बात आती है लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन भी आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि गाइस यहाँ पर आप स्वाइप अप करते हैं तो आपका जो लॉक स्क्रीन है वो अनलॉक हो जाएगा। साथ ही साथ स्वाइप डाउन करते हैं तो iOS कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, जिसमें जो सारे टॉगल बटन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक बार इस थीम को अप्लाई कर लेना और कमेंट करना कि आपको ये iOS की थीम कैसी लगी। गाइस, यहाँ पर देख लीजिए जो सारे बटन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस, बताइए ये थीम आपको कैसी लगी, और थीम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वहाँ जाके इस थीम को और यहाँ पर दिए गए वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जो थीम है वो है iOS Boss V10। ये थीम शायद आपने पहले सुनी भी होगी, देखी भी होगी और अप्लाई भी की होगी। तो गाइस, इसमें मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ किया है तो वो आपने देख लिया। गाइस, ये वॉलपेपर iOS 13 का आपको मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।